जय माता दी मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों तेईस मई की सुबह सुबह सिंह राशि किस्मत लेगी नया मोड़ मिलेंगी चार बड़ी खुशखबरी सुनकर रॉन्ग टे खड़े हो जाएंगे आपके यदि आपकी राशि सिंह है तो आप इस वीडियो को मेरे साथ एक बार पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपकी राशि फल से जुड़ी खबरें समय समय पर आपको प्राप्त हो सकें तो चलिए बात करते हैं विस्तार से पहली बड़ी खुशखबरी आज के दिन दोस्तों रुकावटों के बावजूद आप काम पूरा करने में सफल रहेंगे दूसरी ओर आज महत्वपूर्ण फैसले लेने से आपको बचना होगा आधिकारिक स्थिति के बारे में बात करते हुए काम करने से पीछे ना हटें क्योंकि कड़ी मेहनत से पदोन्नति आपको मिल सकती है व्यापारियों को योजना के अनुसार काम करना चाहिए साथ ही साथ अपने संपर्कों को दूषित नहीं होने देना चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको चलने के दौरान चलने की सलाह दी जाती है कोई भी तेज चीज पैरों को चुभ सकती है दूसरी बड़ी खुशखबरी दोस्तों आपको शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए यह समय ठीक नहीं है कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहने वाला है दूसरी ओर प्रबंधन कठिनाइयों से निकलने में मददगार होगा छोटे व्यापारियों के लिए यह दिन लगभग सामान्य रहने वाला है और दोस्तों प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है इसका नकारात्मक प्रभाव वर्तमान से देखा जा सकता है जिसे भविष्य में एक घातक परिणाम के रूप में भी देखा जाएगा दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के बीच गलत फहमी ना होने दें साथ ही पुरानी बातों पर विवाद होने की भी संभावनाएं हैं तीसरी बड़ी खुशखबरी खबर दोस्तों इस दिन मूल प्रकृति अर्थात शासन करने की प्रवृत्ति दूसरों के साथ गति को खराब कर सकती है ग्रहों की स्थितियों के अनुसार किसी को प्रकृति में कोमल होना चाहिए अधिकारिक कार्य के अनुभव से प्राप्त ज्ञान आपको एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगा दोस्तों कल की तरह खेल से संबंधित व्यवसाय करने वालों के लिए लाभ मिलने की संभावना है सेहत के लिए दिन सामान रहने वाला है आप परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय बड़ी दक्षता के साथ लेंगे दोस्तों आपको इस राशि के लिए आज कुछ मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी जरूरत है किसी से व्यर्थ बहस ना करें इस राशि के जातक परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे आपकी कार्यशैली की तारीफ हो सकती है दोस्तों चौथी बड़ी खुशखबरी की बात करें तो आपको सक्रिय रहना होगा आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में समय पर कामों को पूरा कर पाएंगे जिससे उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे और दोस्तों व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के संबंध में योजना बनानी होगी यदि आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो समय उपयुक्त है शिक्षक द्वारा बताए गए विषयों पर ध्यान दें अन्यथा परीक्षा के दिन परेशान होंगे पढ़ने लिखने वाले छात्र और दोस्तों संतुलित आहार के साथ स्वास्थ्य की बात करें तो दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें परि परिवार में भाषण का प्रयोग सोच समझकर करें क्योंकि गुस्से के दौरान कोई अच्छा और बुरा खेल खेल सकता है तो मित्रों आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए नीचे कमेंट सेक्शन में सच्चे श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं देखते ही देखते पूरी हो सकें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो यही हमारी शुभकामनाएँ हैं